देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। हर दिन संक्रमितों की संख्या और मरने वालों के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है, लेकिन वैक्सीन की भारी किल्लत की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं पहली डोज के लिए स्लॉट मिलना मुश्किल हो रहा है तो कहीं दूसरे डोज के लिए। इन सब के बीच देश के 11 राज्य कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे, और वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्लोबल टेंडर जारी कर भी चुकी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर है क्या? दरअसल ग्लोबल टेंडर दुनिया भर के देशों की कंपनियों के लिए जारी किया जाने वाला एक टेंडर होता है। ये टेंडर इसलिए जारी किया जाता है ताकि वैक्सीन खरीद की प्रोसेस साफ हो और सभी कंपनियों को मौका भी मिल सके। आसान शब्दों में अगर समझाएं तो इस टेंडर का मकसद यही है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां सस्ते में माल की सप्लाई की बोली लगाएंगी उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जिससे कि वैक्सीन की किल्लत भी खत्म हो। कोरोना वैक्सीन के इस ग्लोबल टेंडर में मॉडर्ना, स्पुतनिक वी, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल है। कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा कवच है वो है सबकी वैक्सीनेशन, और सबकी वैक्सीनेशन जल्दी हो जाए, हमें वैक्सीन मिल जाए, इसके लिए हम ग्लोबल टेंडर करने जा रहे हैं कि विश्व में कहीं से भी अगर हमें वैक्सीन मिल जाती है तो हम अपने हरियाणा के निवासियों का जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण कर दें, उनकी वैक्सीनेशन करवा दें, ताकि सब बेफिक्र हो जाएं और एक कवच हो जाए कि कोरोना उनको तंग नहीं करेगा। ये तो पूरा देश जानता है कि हमारे देश में मात्र दो कंपनी है जिनको पंजीकृत कर किया गया था, जिनको मैंने प्रमाणित किया गया था, और जिनका मैन्युफैक्चरिंग वो क्षेत्र उनका हमारे देश में ही है, और दोनों की क्षमता हम जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि हम ग्लोबल टेंडरिंग भी करेंगे साथ साथ में, क्योंकि वो दोनों कंपनी जिनका कोविशील्ड जैसे कंपनी है, जिनका 6 करोड़ प्रति महीना उनका उत्पादन है, कोवैक्सीन का प्रति महीना 1 करोड़ है, और उनको 45+ का भी देना है, और उनको 18 से 44 का भी पूरे देश में बांटना है, हर राज्य को बांटना है। हम 7 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चक्कर में अब ये या तो बंद करने पड़ते हैं टीकाकरण के केंद्र, या फिर बोर्ड लगाना पड़ता है। ये चाहिए भारत सरकार को कि जब इतना बड़ा काम उन्होंने हाथ में लिया है तो कम से कम वैक्सीन की डोज तो टाइमली हमें पहुंचाए। साथ ही इस ग्लोबल टेंडर में उन्हीं कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी कोरोना वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है या फिर आने वाले दिनों में मिलने के आसार है। फिलहाल देश के 11 राज्य कोरोना वैक्सीन की सप्लाई के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि यूपी सरकार पहले ही ग्लोबल टेंडर जारी कर चुकी है। खैर, ये एक अच्छा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जिससे कि कोरोना को हराया जा सके, और अगर देश में वैक्सीन की कमी दूर होगी तो कहीं ना कहीं कोरोना को मात देने में सभी कामयाब भी हो सकेंगे। न्यूज़ टेक ब्यूरो।